नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा एकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है सामान्य विज्ञान के IMP MCQs का पार्ट 1। दोस्तों, इस वीडियो में 50 प्रश्नों की बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बार निवेदन है कि जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर जो दोस्त मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, उनसे प्लीज़ निवेदन है कि वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, हास्य गैस किस गैस को कहा जाता है? हास्य गैस किस गैस को कहा जाता है? तो उस गैस का नाम है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा प्रश्न, हाइग्रोमीटर किसका मापक किया जाता है? हाइग्रोमीटर से किसका मापन किया जाता है? तो दोस्तों, हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता का माप किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ऊँगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रतिकरण सबसे कम होता है। इसके बाद अगला प्रश्न, जिलेटिन का बक बलूम ताकत सामान्यता कितनी होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर है 200 से 240। इसके बाद अगला प्रश्न, प्लेटलेट का जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों, इसका जीवन काल होता है 7 से 10 दिन के बीच में। इसके बाद अगला प्रश्न है, अनुवांशिक पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो उत्परिवर्तन से गुजर सकती है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उसका नाम है म्यूटॉन। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रक्रिया होती है। प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो दोस्तों, यह न्यूटन का तीसरा नियम है। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा अंग एंट्रोपीन की क्रिया के प्रति अति संवेदनशील होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है लार ग्रंथि। इसके बाद अगला प्रश्न, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलांक कितना होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर है -0 केल्विन। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि? दोस्तों, प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होता है, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत होती है? किस परत का नाम है? तो इसका आंसर दोस्तों, क्षौम मंडल। इसके बाद अगला प्रश्न, DNA के आकार को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका नाम है डबल हेलिक्स। इसके बाद अगला प्रश्न, हड्डियों के अंतर्भाग में क्या पाया जाता है? तो दोस्तों, हड्डियों के अंतर्भाग में पाया जाता है अस्थि मज्जा। इसके बाद अगला प्रश्न, मानव नेत्र का वह रंगीन भाग को क्या कहा जाता है जो यह नियंत्रण करता है कि कितने प्रकाश पुतली माध्यम से गुजरेगी? दोस्तों, इसका आंसर है आयरस। इसके बाद अगला प्रश्न, मात्रक क्या है? दोस्तों, मात्रक मापने के निर्देश मानक को मात्रक कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया गया था? अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति को किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका आंसर है सन 1971 में। इसके बाद अगला प्रश्न, मलेरिया के रोगियों को किस प्रकार ज्वार यानी बुखार चढ़ता है? किस प्रकार का बुखार चढ़ता है? तो इसका आंसर है आंतरायिक ज्वार यानी कि आंतरायिक बुखार चढ़ता है। इसके बाद अगला प्रश्न, जब कोई वस्तु किसी निश्चित अक्ष के चारों तरफ गति करती है तो गति का कौन सा नियम का पालन करती है? तो इसका आंसर है घूर्णन गति का नियम। इसके बाद अगला प्रश्न, दाब का मात्रक क्या है? दोस्तों, दाब का मात्रक है पास्कल।
इसके बाद अगला प्रश्न, प्रथम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किस वर्ष बनी थी? तो दोस्तों इसका आंसर है सन 1949 में। इसके बाद अगला प्रश्न, सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है, सभी आयन से मुक्त जल कहलाता है भारी जल। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। आंसर इसका ट्रिप्सिन है, प्रोटीन के पाचन में सहायक। इसके बाद अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? दोस्तों मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद अगला प्रश्न है, बेंचुरीमीटर से क्या ज्ञात करते हैं? तो इसका आंसर है जल के प्रवाह की दर। इसके बाद अगला प्रश्न, गति, यदि किसी तरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? दोस्तों इसका आंसर है 2% बढ़ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? दोस्तों रेडियो एक्टिवता की खोज की थी हेनरी बेकरेल ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, या वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका आंसर है थियोफेस्टस। इसके बाद अगला प्रश्न, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है इंजन को ठंडा रखने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न, पदार्थ की किस अवस्था होती है, पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? तो इसका आंसर है 3 अवस्था, द्रव, ठोस और गैस। दोस्तों एक चौथी अवस्था भी होती है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, लेकिन यह अवस्थाएं 3 ही मानी जाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा सक्रिय रसायन होता है? तो इसका आंसर है एलिथिन्स। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, गतिमान बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति का आगे झुकना न्यूटन के किस गति के नियम का पालन करता है? तो इसका आंसर है न्यूटन के गति का प्रथम नियम का पालन करता है। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रतिक्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का कौन सा नियम है? दोस्तों यह न्यूटन का है 3रा नियम। इसके बाद अगला प्रश्न, आज कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA। इसके बाद अगला प्रश्न, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका आंसर है अपवर्तन के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न, रडार की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर है रेडियो तरंगों का परावर्तन। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष होता है, दोस्तों इसका प्रकाश वर्ष क्या होता है? तो इसका आंसर है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है फेंदोमीटर। इसके बाद अगला प्रश्न, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है मुख्य अक्ष। इसके बाद अगला प्रश्न है, शीशे यानी लेड्स के निमिट टेस्ट में परिमाणीय रंग होता है कौन सा? दोस्तों इसका आंसर है बैगनी। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? तो दोस्तों इसका आंसर है अनंत। इसके बाद अगला प्रश्न, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है क्या कहलाती है? तो इसका आंसर है जिंक। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष इकाई है, दोस्तों इसका प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? दूरी की।
इसके बाद अगला प्रश्न है, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं या तैरते हैं तो यह किस क्या कारण है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव के कारण। इसके बाद अगला प्रश्न, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। इसके बाद अगला प्रश्न, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों जीव विज्ञान का सर्वप्रथम प्रयोग किया था लेमार्क तथा ट्रेविलेनस ने। इसके बाद अगला प्रश्न है, कोई कण एक सेकंड में जितनी कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं आवृत्ति। इसका आंसर है आवृत्ति। इसके बाद अगला प्रश्न है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ पराद्रय तरंगों उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ पराश्रय तरंगे उत्पन्न करती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, उन देशों में जहां के लोग मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल का उपयोग करते हैं वहां के लोग पीड़ित होते हैं कैसे? बेरी रोग से। इसके बाद अगला प्रश्न और इस वीडियो का पहला प्रश्न है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर है शैवालों का अध्ययन किया जाता है। किसमें? फाइकोलॉजी में। तो दोस्तों यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। तो आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।